आगरा विकास प्राधिकरण एडीए को जयपुर की लैंड पुलिंग स्कीम से विकास का नया रास्ता मिल गया है। एडीए की टीम ने जयपुर में लैंड पुलिंग स्कीम में विकसित रिंग रोड को देखा, वहां लैंड पुलिंग स्कीम में किए गए काम की जानकारी जुटाई। अब शासन को लैंड पुलिंग स्कीम के बारे में रिपोर्ट भेजी जाएगी। अनुमति मिलती है तो विकास प्राधिकरण आगामी परियोजना के लिए इस स्कीम को अपनाएगा। एडीए के नगर नियोजक प्रभात कुमार के नेतृत्व में इंजीनियरों की टीम सोमवार को जयपुर गई। उन्होंने लैंड पुलिंग स्कीम में विकसित किए गए 47 किलोमीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े रिंग रोड को देखा। जयपुर में 90 मीटर चौड़ा रिंग रोड बनाने को 360 मीटर चौड़ा स्ट्रेच विकास प्राधिकरण ने काश्तकारों से लैंड पुलिंग स्कीम में समझौता कर लिया गया। रिंग रोड के दोनों ओर मिश्रित भू उपयोग का प्रावधान किया गया था। काश्तकारों की 2000 वर्ग मीटर भूमि लेने पर उन्हें 500 मीटर मिश्रित भू उपयोग वाली भूमि विकसित कर दी गई थी। मिश्रित भू उपयोग की स्थिति में भूमि का उपयोग आवास, व्यवसाय या इंस्टीट्यूट बनाने के लिए किया जा सकता है। वहां काश्तकारों की भूमि का भू उपयोग आवासीय था, जिससे किसी तरह की समस्या नहीं आई थी। जयपुर में प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने की व्यवस्था अलग है। वहां मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए प्राधिकरण को भूमि हस्तांतरित करनी होती है। आगरा में मानचित्र स्वीकृत कराने की यह व्यवस्था नहीं है। नगर नियोजक प्रभात कुमार जल्द ही अपनी रिपोर्ट एडीए उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। उनके साथ इंजीनियर सतीश राजपूत और राज कपूर जयपुर गए थे, जो कि बिना एक्विजिशन के उनके द्वारा प्रयास करते हुए बिना एक्विजिशन के उस रोड का निर्माण किया गया है। तो आगरा के अंदर भी रोड संबंधी काफ़ी जो प्रस्तावित रोड्स हैं उनके निर्माण की चर्चाएं हैं, और उसी को समझने के लिए हम लोग जयपुर विकास प्राधिकरण गए थे कि किस तरीके से उनके द्वारा बिना लैंड एक्वायर किए आपसी समझौते के आधार पर भूधारकों के साथ करार करते हुए उसको विकसित किया गया है। जैसे कि आगरा के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से सड़कों का विकास किया जाए, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश का विकास है और उसके एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसको आगे एक दिशा प्रदान की जा सके। रिपोर्ट देखिए हमारी तैयार हो गई है और शीघ्र ही जो जिस हिसाब से डिस्कशन होने के बाद एक उसको अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है, शीघ्र ही रिपोर्ट वीसी सर को और शासन स्तर पर प्रेषित। इस दौरान आगरा विकास प्राधिकरण के नगर नियोजक प्रभात कुमार ने संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा को बताया कि जयपुर में रिंग रोड के निर्माण में उपयोग में लाई गई लैंड पुलिंग स्कीम की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। एडीए को शासन से लैंड पुलिंग स्कीम को अंगीकार करने की स्वीकृति मिलती है तो शहर में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। एडीए संसाधनों के अभाव में ग्रेटर आगरा व मेडिसिटी के काम पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।